नमस्ते नित्यानंदम, कल राखी के शुभ अवसर पर, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सारी गुरु बहनों ने अपने गुरु भाइयों को राखियां बांधी। बड़ा ही बहुत ही प्यारा दर्शन, बहुत ही प्यारा दृश्य था वो। और ख़ासकर कुछ गुरुकुल के छात्रों के हाथ पूरे, मतलब आप समझ लीजिए यहाँ तक, अगर मैं आपको बताऊँ, मतलब अपने बाहों तक उन्होंने, उनको उनकी गुरु बहनों ने राखी बांधी थी। बहुत ही प्यारा माहौल था, बहुत ही आनंदमय अनुभव था। मेरे ख्याल से अभी तक मेरे जीवन का सबसे अच्छी राखी थी ये। और मुझे एक, आपको मैं अपने बचपन का एक घटना बताता हूँ। बचपन में क्या होता था कि मेरी तो दो बहनें, कुछ लोगों की तीन चार बहनें होती थी हम लोग के कॉलोनी में। तो वो लोग अपनी बहनों का और अपनी कज़न बहनों का, मतलब मेरी चचेरी बहनों का, सबकी राखियाँ बंधवा देते थे। उनके दोनों हाथ पूरे ऊपर तक बंधे रहते थे, और बच्चे हैं तो बच्चों के हाथों की लंबाई भी छोटी होती है, तो पूरे ऊपर तक राखी बंधवा के लाते थे। तो मुझे बड़ी जलन होती थी, तो मैं बोलता था नहीं नहीं, अपनी बहनों को नहीं, दोनों हाथों में बांधो और तुम लोग सबकी राखियाँ बांधो, जितनी मेरी चचेरी बहनें सबकी राखियाँ बांधो। और ज़्यादा ज़्यादा बंधवा देता था, अपनी बुआ जी वगैरह सबका मिला उला के, तो लगता था हाँ चलो ठीक है। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन होता था कि कितनी आपकी कितनी बहनें हैं, इसका मतलब आप उतने समाज में उतने बड़े हैं। या तो कल भी समझ लीजिए उसी बचपन के यादगार में मैं सबसे राखियाँ बंधवा रहा था, और पूरे हाथों में ऊपर तक राखियाँ बंधी हुई थी। और वैसा ही कुछ थंबनेल डालूंगा इस वीडियो में। और स्वामी जी ने बड़ा प्यारा एक हमें संदर्भ दिया राखी का, रक्षाबंधन का, कि जो तुम्हारे खून के रिश्ते हैं वो सिर्फ इस जन्म के हैं, लेकिन जो गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, वो जन्मों जन्मांतर के गुरु भाई गुरु बहन हैं। तो आप भी आइए आदिनम में और अपने पिछड़े गुरु भाई गुरु बहनों से मिलिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नित्यानंदम।